एनाप्लास्मोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कैटल में होती है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। और ये बीमारी जानवरों के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। ये डिजीज़ एक माइन्यूट से पैरासाइट की वजह से होती है, जिसे एनाप्लाज्मा मार्जिनल कहते हैं। और ये इन्फेक्टेड एनिमल्स के रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ये बीमारी इन्फेक्टेड एनिमल से हेल्दी एनिमल को ट्रांसमिट होती है, इंसेक्ट के ज़रिए या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। ये बीमारी को और अच्छे से समझने के लिए इसे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इंक्यूबेशन, दूसरा डेवलपमेंटल, तीसरा कोवेलेसेंट और चौथा कैरियर। सबसे पहला है इंक्यूबेशन स्टेज। ये वो स्टेज होती है जहाँ जानवर इस बीमारी से इन्फेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। ये स्टेज तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक एनिमल के RBC 1% तक अफेक्ट नहीं होते हैं। ये स्टेज 3 से 8 हफ्तों तक रहती है। इनिशियल स्टेज में जब ये बीमारी जानवरों में फैल जाती है, तो जो एनाप्लाज्मा पैरासाइट होता है वो स्लोली एनिमल के ब्लड में रिप्रोड्यूस होने लगता है, उसकी ग्रोथ होने लगती है। ये पीरियड में एनिमल हेल्दी दिखता है और सिम्टम्स की, इन्फेक्शन के सिम्टम्स की कोई भी साइन नहीं दिखती। और आखिर में ये पैरासाइट्स की ग्रोथ जब बहुत बढ़ जाती है एनिमल के ब्लड में, तो जो जानवर की बॉडी होती है इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। सेकेंड स्टेज है डेवलपमेंटल स्टेज। ये स्टेज में क्या होता है, ये जो स्टेज है ये 4 to 9 डेज एग्जिस्ट करती है। और ये स्टेज में एनाप्लाज्मोसिस के बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जो जानवर इस इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसकी बॉडी क्या करती है, बहुत सारे पैरासाइट्स डिस्ट्रॉय करती है, तो उसे RBC भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और रेड ब्लड सेल्स कम होने की वजह से जानवर एनीमिया में चले जाता है। और कुछ साइंस ऐसे दिखते हैं कि जो बॉडी टेम्परेचर रहता है जानवर का, वो 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। और जो लैक्टेटिंग काउज रहती है, जो दूध देने वाले काउज रहते हैं, उनका दूध सडनली कम हो जाता है। एनेमिक कंडीशन होने के बाद में जो इन्फेक्टेड एनिमल रहता है वो कमज़ोर हो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है। और उसकी जो स्किन रहती है आइज़ के करीब, लिप्स के करीब या टिट्स के करीब, वो थोड़ी पेल होने लगती है, फीकी पड़ने लगती है। और बाद में एनिमल में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, वेट लॉस होता है और येलोइश स्किन होने लगती है। एनिमल गिर जाता है और उठ नहीं पाता बाद में। इस कंडीशन के बाद मोस्टली एनिमल मर जाता है, या जो पहला साइन इंडिकेट हुआ था अच्छी इम्यूनिटी की वजह से, जो पहला साइन इंडिकेट हुआ था, पहला सिम्टम दिखा था, उसके 1 से 4 दिन के बाद में रिकवर होने लगता है। डेवलपमेंटल स्टेज के बाद में कुछ चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर डेवलपमेंटल स्टेज के बाद में, ये दो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, एनिमल्स को फोर्स नहीं करना चाहिए आगे पीछे होने के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में एनिमल एक्साइटेड हो जाता है, उसे एनोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनिमल मर सकता है। और डेवलपमेंटल स्टेज के बाद में कोई भी एंटीबायोटिक्स देने दिए तो उसका कुछ खास फ़र्क नहीं गिरता है, तो ये दो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। चौथी और आखिरी जो स्टेज है, कोवेलेसेंट स्टेज है। जो भी जानवर इस क्लिनिकल डिजीज़ को सर्वाइव कर पाता है, उसका वज़न कम हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है और 2 से 3 महीने में रिकवर होने लगते हैं, इसे कोवेलेंट स्टेज कहते हैं। और ये जब तक एग्जिस्ट करती है जब तक ब्लड के नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं आ जाते, ब्लड नॉर्मल नहीं हो जाता है। जो ब्लड की कमी हो गई है वो उतनी पूरी नहीं होती तब तक ये एग्जिस्ट करता है। ये स्टेज डेवलपमेंटल स्टेज से, दोनों में ये फ़र्क है कि ये जो स्टेज है कोवेलेंट स्टेज, इसमें RBC बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाती है और जो टोटल वाइट ब्लड सेल काउंट है वो भी बढ़ जाता है। जो जानवर ज़्यादातर डेवलपमेंटल स्टेज के बाद मर जाता है या कोवेलेंट स्टेज के इनिशियल स्टेज में मर जाता है। कोई भी उम्र के जानवरों को ये इन्फेक्शन हो सकता है और इसका खतरा बढ़ता है जैसे उम्र बढ़ती है। जो बच्चे 6 महीने से छोटे होते हैं, उनके इतने साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं कि उसे पता चले इनमें इन्फेक्शन हो गया है। और जो 6 महीने से 3 साल के बीच में रहते हैं, वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और इनमें बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। और जो जानवर 3 साल के बाद, 3 साल उम्र हो जाती है या 3 साल उम्र के बाद में अगर
इस बीमारी को ठीक नहीं किया गया या ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इनका डेथ रेशियो 30-50% होता है। कैरियर स्टेज में क्या होता है, अगर जो भी जानवर एनाप्लाज्मोसिस से रोग गए उनको प्रॉपरली मेडिकेट नहीं किया गया तो ये बीमारी ज़िंदगी भर कैरी करते हैं, और ये स्टेज में कैरियर स्टेज में कोई भी साइन और सिम्टम्स इन्फेक्शन के नहीं दिखते हैं। कैरियर स्टेज में अगर ये जो बीमार जानवर थे उनका ब्लड अगर दूसरे जानवर में इंजेक्ट किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया तो दूसरे जानवर को भी एनाप्लाज्मोसिस हो जाता है। अगर ये जो बीमार जानवर है इनको फिर से एनाप्लाज्मोसिस हो गया तो ये बीमार नहीं होती, ये वही स्टेज में रहते जो पहले थे। अगर ये कैरियर स्टेज में ये जो जानवर है जिन्हें बीमारी हो गई है अगर इनको जानवरों के हर्ड में रखा गया तो दूसरे जानवर को भी इन्फेक्शन का खतरा है। ये जो डिजीज़ है उसका आउटब्रेक ही होता है, ये डिजीज़ का आउटब्रेक इसलिए होता है क्योंकि अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट होता है, इम्प्रॉपर मेडिकेशन होता है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, इसलिए ये बीमारी आउटबर्स्ट होती है। अभी हम देखते हैं रिड्यूसिंग वेक्टर ट्रांसमिशन यानी इस बीमारी का फैलाव से कैसा बचाया जाए। एनाप्लाज्मोसिस कब होता है, जब एक इन्फेक्टेड एनिमल का ब्लड दूसरे एनिमल के कांटेक्ट में आता है तो एनाप्लाज्मोसिस हो जाता है। अगर ये ट्रांसमिशन मैकेनिकल है यानी अगर एक इंसेक्ट ने एक जानवर को बाइट किया है तो उस जानवर को एनाप्लाज्मोसिस हो गया, अगर वही इंसेक्ट दूसरे जानवर को बाइट करता है तो उसे भी एनाप्लाज्मोसिस हो जाता है। अगर जो इन्फेक्टेड जानवर है उसको कोई नीडल यूज़ की होगी, उसके ब्लड के कांटेक्ट में आई होगी, अगर वही दूसरे जानवर के कांटेक्ट में आए तो उसे भी एनाप्लाज्मोसिस स्प्रेड हो जाता है। ये जो तीन इंसेक्ट्स है, हॉर्स फ्लाइज, स्टेबल फ्लाइज, मॉस्किटोस, इनका बीमारी फैलाने में बहुत बड़ा हाथ है एनाप्लाज्मोसिस की। ये क्या करते हैं, इन्फेक्टेड जानवरों को बाइट करते हैं और फिर हेल्दी जानवर को बाइट करते हैं, जिससे हेल्दी जानवर में भी एनाप्लाज्मोसिस फैल जाता है। जनरली देखा जाए अगर एक इंसेक्ट इन्फेक्टेड एनिमल को बाइट करता है और वही इंसेक्ट दूसरे एनिमल को बाइट करता है लेकिन दोनों के बीच में बाइट करने का वक्त 5 मिनट से ज़्यादा है तो एनाप्लाज्मोसिस ट्रांसमिट नहीं होता है। ये डिजीज़ जब ज़्यादा फैलता है जब एनिमल एक दूसरों के नज़दीक होते हैं तो इंसेक्ट एक इन्फेक्टेड एनिमल को बाइट करता है और लगेज दूसरे एनिमल को बाइट करता है बहुत कम पीरियड में, तो इससे एनाप्लाज्मोसिस ट्रांसमिट होता है। ये इंसेक्ट के ज़रिए तो ट्रांसमिट होता ही है लेकिन जो एनाप्लाज्मोसिस ऑर्गेनिज्म रहता है ये एक जानवर से दूसरे जानवर के बीच में इक्विपमेंट के ज़रिए भी ट्रांसमिट होता है। अगर जानवरों में बीमारी बहुत बढ़ गई है तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि इंसेक्ट के ज़रिए या इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ये डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है। ये बीमारी जब इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ट्रांसमिट होती है तो जानवर एनाप्लाज्मोसिस के 4 से 6 हफ्तों में साइंस बताते हैं, और ये जब आउटब्रेक होता है डिजीज़ का तो बिना कोई साइन बताए ये आउटब्रेक हो जाता है। ये बीमारी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए फैलने से बचा जा सकता है अगर कुछ केयरफुल हैंडलिंग करे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी जानवर इन्फेक्टेड है इस बीमारी से अगर उसके सींग काटते हैं या उसको वैक्सीनेट करते हैं या उसको कैस्ट्रेट करते हैं या उसको टैग करते हैं तो ये जो भी इक्विपमेंट्स है इसको क्लीन वाटर से ये कंटेमिनेट इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन वाटर से क्लीन कर लीजिए या इसको डिसइन्फेक्टेंट यूज़ करके डिसइन्फेक्टेंट करें जिससे इस बीमारी से प्रिवेंट किया जा सकता है। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनको कंट्रोल करना काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है और प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनको रिड्यूस किया जा सकता है। अगर फार्म पे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो ये जो इंसेक्ट बाइट करते हैं और एनाप्लाज्मोसिस फैलाते हैं ये कम हो सकते हैं, और पीरियडिक स्प्रेइंग और डिपिंग करना चाहिए, और डस्ट बैग और बैक रबर का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे ये जो इंसेक्ट्स है ये कंट्रोल हो सकते हैं, इनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो सकती है जिससे एनाप्लाज्मोसिस फैलने का ख़तरा कम हो जाता है। पहले जो हमने लास्ट स्टेज देखा था एनाप्लाज्मोसिस के 4 स्टेजेस बताए थे, उसमें एक लास्ट स्टेज था कैरियर स्टेज, तो उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। हमने देखा था कैरियर स्टेज में अगर प्रॉपरली
मेडिकेट नहीं किए जानवर को, तो ये बीमारी वो ज़िंदगी भर कैरी करता है और ये स्टेज में कोई साइन और सिम्टम्स नहीं दिखाता है। और अगर इसका ब्लड दूसरे एनिमल से कांटेक्ट में आता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है तो दूसरे जानवरों को भी इन्फेक्शन फैल जा सकता है, तो इसे कैसे एलिमिनेट किया जाए? अब ये जो स्टेज है एनाप्लाज्मोसिस कैरियर स्टेज को, इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यूज़ करके। इस स्टेज में क्या होता है, हमें एक पोस्ट मेडिकेशन सेरोलॉजी टेस्टिंग करने पड़ती है। ये सेरोलॉजिक टेस्टिंग में एक ब्लड टेस्ट होता है, अगर टेस्ट करने के बाद में सेवरल मंथ तक जानवर का ब्लड पॉजिटिव रहता है लेकिन वो इतना इन्फेक्शियस नहीं रहता हेल्दी जानवर को, अगर ब्लड ट्रांसमिट भी हो गया तो, लेकिन अगर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद 6 महीने भी टेस्ट करके अगर रिजल्ट पॉजिटिव ही आ रहा है तो इसे समझ जाओ कि ट्रीटमेंट फेलियर है, जो फेलियर ट्रीटमेंट है। तो ये फेलियर को वापस रिट्रीट करना चाहिए या जानवरों को जानवरों के बीच से अलग रखना चाहिए, क्वारंटाइन करना चाहिए। अब जो जानवर कैरियर स्टेज से क्लियर भी हो गया तो उसे रीइन्फेक्शन हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक का यूज़ करके इस स्टेज को, कैरियर स्टेट को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इसका 5 या 10 दिन का ट्रीटमेंट रहता है। अगर आप 5 दिन ट्रीटमेंट करते हो तो 10 mg पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट को दीजिए 5 दिन, या आप 10 दिन का ट्रीटमेंट करते हो तो 5 mg पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट 10 दिन तक दीजिए। अगर आप इंट्रामस्कुलर दे रहे हो तो 10 ml से ज़्यादा एक साइड में इंजेक्ट ना कीजिए, उससे मसल इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और अगर आप IV देते हो तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक सलाइन में मिक्स करके दीजिए। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन का यूज़ करके भी आप कैरियर स्टेट को एलिमिनेट कर सकते हो, जिसे आपको 60 दिन का एक प्रोसेस फॉलो करने पड़ेगा। आपको 60 दिन तक डेली बेसिस पे क्लोरोटेट्रासाइक्लिन देने पड़ेगा, जिसका डोसेज है 5 mg पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। अगर आप 120 दिन का ट्रीटमेंट करते हो तो आपको 120 दिन तक क्लोरो टेट्रासाइक्लिन देने पड़ेगा, जिसका डोसेज है 0.5 mg पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। ये दोनों ट्रीटमेंट करते हो, दोनों में से कोई भी एक ट्रीटमेंट करते हो तो कैरियर स्टेट ख़त्म हो जाता है।